देखिए खतरनाक वाला लुक बनाया मैंने एकदम। अभी मॉडिफाई हो जाने के बाद मुझे अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर लेना। और ये रहा गाइस, सहिता का फोन भी गिर गया है। फूटा तो नहीं ना, टेम्पर साइड फूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगा, सॉरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नियदर ब्लॉग। और आज मैं ये ब्लॉग में अपना घर से शुरुआत कर रहा हूँ। आज इस ब्लॉग में आपको कहीं घूमने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं आज जाऊंगा मैं गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाने। और आज का यही दिन के वजह से मैं सहिता के साथ थोड़ा झगड़ा भी कर लिया था, और इसका इंतजार भी कर रहा था ये दिन का, बिकॉज आज मुझे मॉडिफिकेशन करवाना ही था। एंड गाइस, अमेजिंग एंड खतरा वाला लुक रहेगा जब ये वाला मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और मैं ये तीन कलर में कर रहा हूँ, ब्लू, रेड और वाइट में। और ये मैं खुद से एडिट करके पहले मैं देखा था जो कैसा लगता है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड अभी मैं जाऊंगा फिलहाल शोरूम से मैं फिर जाऊंगा मॉडिफिकेशन करवाने, एंड मैं डायरेक्ट आपसे शोरूम में मिलता हूँ गाइस। सो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ काम वगैरह है शोरूम पे करवा के फिर मैं जाता हूँ मॉडिफिकेशन करवाने। गाइस, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आए, और ये सब खोल के लेके आए ताकि यहाँ पे रैपिंग वगैरह होगा। ये वाला वाइट होगा, और ये सब वाइट और रेड में करेंगे। और ये वाला यहाँ पे जो पार्ट था वो भी मतलब रेड और वाइट में करेगा। और अभी यहाँ पे होगा रैपिंग इसमें, ये देख लीजिए। और फाइनल लुक भी मैं दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, फाइनली भैया लोग यहाँ पे साइड पैनल में अभी लगाएंगे रैपिंग, और कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा पार्ट को लगाने के लिए तीन जन का जरूरत पड़ रहा है, मतलब कितना केयरफुली करना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट साइड पैनल का काम हो गया है, और अभी शायद भैया लोग फिनिशिंग दे रहे हैं। सो गाइस, ये है मडगट, और ये अभी ग्रे कलर का है, और कुछ ही देर में ये वाइट में बन जाएगा। मडगट भी ऑलमोस्ट शेप लेने लगा है वाइट में, और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से भैया लोग लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे दो वाइट था यहाँ पे, तो भैया लोग बोले ये वाला वाइट लगाओ, ग्लोसी वाइट तो अच्छा लगेगा, तो वो वाला ही लगाया मैंने, और सही में अच्छा भी लग रहा है। ये वाला कल लगा लिया था, एंड ये भी लगा लिया था। और इस साइड से मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला भी लगा लिया, और कुछ इस साइड का दिखेगा यहाँ से आपको। और ये वाला आज करवाना है, ये उठा के और ये सब उठ के दूसरा कलर लगेगा, और उसके बाद आप लोग देखेंगे कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फुल काम होने के बाद ही मैं दिखाऊँगा अच्छे से आपको। सो गाइज, ये देखिए अभी रेड कलर का ये लग रहा है। एक्चुअली कल हुआ नहीं था, और आज ही इसको फिनिशिंग देना ही है एनी हाउ, भैया को मैंने बोला था। और ये अभी रेड कलर का लगा रहे हैं, और इसके बाद लगा रहे, देखिए यहाँ पे लगा रहे अभी वाइट कलर का। अभी से ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी यहाँ पे सामने वाला में लगा रहे, उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइज, ये है वेयर अप स्टोर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हुआ। और ये देखिए गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं कल सिनेमैटिक व्यूज के साथ दिखाता हूँ आपको। तो फिर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो पे तो देखा होगा, रोहित ने बोल रहा था कि गाड़ी का मॉडिफाई करेगा, और उसके लिए हम दोनों का झगड़ा भी हो गया था। फिर जाके लास्ट में फाइनली झगड़ा में वही जीत गया, और उसने अपना गाड़ी का मॉडिफाई कर भी लिया है। तो अभी मॉडिफाई हो जाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं बोल रही थी कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मत करो, इतना खर्चा क्यों करना, ये वो। फाइनली जाके उसने पूरा कम्प्लीट कर लिया है मॉडिफाई, तो आप लोग भी देखे कैसा लग रहा है। ये देखिए खतरनाक वाला लुक बनाया मैंने एकदम।
मस्त लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसा लग रहा है। एंड ये रहा गाइस, ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों मैंने स्टोरी में लगाया था कौन सा लगाना अच्छा है, तो बहुत से लोग बोले थे क्या ये वाला लगाओ और बहुत से बोले थे ये वाला लगाओ, तो मैंने आप लोग का सभी का बात सुन के मैंने दोनों ही लगा दिया, ये वाला भी लगा दिया और ये वाला भी लगा दिया। तो दोनों डिज़ाइन में आप लगा दिया, आप लोग का मतलब ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो माई फैमिली, बिकॉज आप लोग के लिए तो इतना दूर तक मतलब 600 सब्सक्राइबर का सफ़र हुआ है, तो अभी और भी होगा। एंड गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा गाइस, पहले का गाड़ी नहीं देखे है तो मैं दिखा दूँगा आपको कैसा था पहले का टाइम का। और ये वाला मैंने वाइट किया है, ये वाला मैंने स्टिकर लगाया, एंड रिंग में भी मैंने ये रहा देखिए गाइस, ये वाला भी मैंने करवाया है। एंड यहाँ पे भी ग्रे था, ग्रे और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने दिया, ये यामा हटा के मैंने नया भी लगाया यहाँ पे, ये वाला भी ग्रे था तो वाइट किया, और ये वाला भी ग्रे था इसको भी वाइट किया, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन मैंने लगाया इसमें। एंड हेयर इज द गाइस, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह था, स्टिकर वगैरह लगा दिए, और इस साइड में भी गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने लगवाया है, नंबर प्लेट का मैंने कवर भी लगवाया था। और इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड से भी देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा मस्त है। एंड गाइस ये वाला मैंने न्यू लगवाया है, पता ही होगा मेरा ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो गया था, मतलब मैं पटरी के सामने गाड़ी रख दिया था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे मैं एंड स्क्रीन में आपको लगा दूंगा, आप वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। एंड सही था, मेरा झगड़ा हो गया था ये गाड़ी मॉडिफाई करने के लिए, तो वो वाला भी वीडियो में एंड स्क्रीन में दे दूंगा। देखिए मैंने सेम हेलमेट भी खरीदा था, और हेलमेट का ही ग्राफिक के जैसा मैंने गाड़ी को बनाया, तो स्कूटी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड गाइस ये वाला मैंने पूरा मॉडिफाई करने के लिए सरिता के साथ झगड़ा कर लिया था, और भी मॉडिफाइड है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाइस देखिए ये वाला मैंने चार्जिंग का सिस्टम का बनाया है, तो यहाँ से आपका चार्जिंग वगैरह भी दे सकते हैं, ये रहा देखिए गाइस, तो चार्जिंग वगैरह का भी कोई झंझट नहीं है। और ये स्विच मैंने आपको, मैं दिखाता हूँ आपको ये किस लिए दिया था, ये रहा गाइस, यहाँ पे रात को चलाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, ये फॉग लाइट मैंने लगाया है, और ये दो कलर का है, एक वाइट जल रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जला के दिखाओ तो वाला येलो है, तो दो कॉम्बिनेशन का मैंने लाइट लगाया, और ये वाला बहुत महंगा में आया था, बट मैं आप लोग के लिए तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि रात को भी सफ़र मैं आपसे करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा। ये देखिए गाइस, मतलब नया दो टाइप का लाइट है यहाँ पे, देखिए जो मन चाहे आप वो उस टाइप का वो कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है गाड़ी देखने में। और सहिता देख के कैसा रिएक्शन लगा गाड़ी का? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? बेस्ट एकदम। सो गाइस ये जितना भी मॉडिफिकेशन वगैरह मैंने किया ये ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार लग गया, और आपको पता ही होगा एक गरीब घर का लड़का के लिए 8 हज़ार बहुत वो है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही मतलब सोच के बाहर होता है कि 8 हज़ार का कोई मॉडिफिकेशन करवाएगा वो भी अपना गाड़ी में, तो ये मैंने खुद कमा के खुद किया है, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो मैं खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं खुद कर रहा, आप लोग भी कर सकते हैं। एंड गाइस इतना मॉडिफिकेशन वगैरह खर्चा किया तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि सरिता के साथ लड़ झगड़ के मतलब मैंने किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो रहा है मुझे ये वाला गाड़ी मतलब ये करके। गाइज आप लोग का वो जो हम लोग का वीडियो देखते हैं उसके नीचे में जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहता है ना वो वाला फ्री रहता है, तो आप लोग प्लीज उसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सो आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे तो काफी ज्यादा हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, और हम लोग का अच्छा अच्छा व्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये रहा गाइस सहिता का फोन भी गिर गया है, फूटा तो नहीं ना, टेम्पर साइड फूट गया है, अच्छा कोई बात नहीं मैं लगा दूंगा, सॉरी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा मूड ऑफ हो गया। मम्मा चीनी के रिसाली मुड़ी।